मुकदमा अपराध संख्या 8/23 धारा 31 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम में जितेंद्र कुमार यादव पुत्र सखन यादव निवासी सैदनपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर की जमीन वो लाल जिला अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में सील किया जाता है, कुर्क किया जाता है। अगर इस पर कोई भी वैधानिक निर्माण या कब्जा करेगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी की 3,07,50,000 की संपत्ति कुर्क करके जब्त की। शातिर अभियुक्त जितेंद्र यादव पर धोखाधड़ी समेत कई केस दर्ज। दरअसल लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव निवासी अभियुक्त जितेंद्र यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है। गुरुवार को प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने मुनादी कराते हुए उसकी 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। जितेंद्र यादव के शातिर अपराधी है, उसके ऊपर धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही के तहत उसकी 3 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली है। इनमें एक सफारी कार, मैरिज लॉन व कई भूखंड शामिल हैं। प्रशासन ने ढोल बजवाकर कुर्की की मुनादी कराते हुए अभियुक्त की संपत्ति को जब्त कर लिया है। मुकदमा अपराध संख्या 8/23 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जितेंद्र यादव पुत्र सखन यादव, जो कि थाना लाइन बाजार से भूमाफिया भी चिन्हीकरण है, उनकी गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त जितेंद्र यादव का एक अर्धनिर्मित होटल मुरादगंज मोहल्ले में स्थित तथा उसकी कुछ जमीन और एक चार पहिया वाहन, जिसकी सबकी अनुमानित रुपए लगभग 3 करोड़ के है, उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है और जिसके संरक्षक श्रीमान तहसीलदार महोदय को बनाया गया है। और आसपास के मोहल्ले में सब जगह मुनादी करा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस जमीन में कोई अतिक्रमण ना करे। किस अपराध से अर्जित किया गया था ये? उसका काफ़ी अपराध है, उस पर कई दर्जनों मुकदमे हैं जिसके कारण उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। ये जिला अधिकारी के आदेशानुसार जो गैंगस्टर जितेंद्र यादव की प्रॉपर्टी सीज की गई है, इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और दोषी पाया गया, इसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने कीमत की है? ये प्रॉपर्टी जितेंद्र यादव की है और लगभग 3 करोड़ की है। क्या क्या किया गया है सीज? ये पूरा प्रॉपर्टी किया गया है, जो ये पूरा रकबा है और इसका रकबा उस पर लिखा गया है, वो जो बोर्ड है वहाँ पे जो गाटा है और जितना एरिया है उसको सीज किया गया है। और भी तमाम मतलब ग्राम समाज और उसके जमीन के कब्जे की बात है जी, तो उसकी भी क्या जांच? उसकी भी बेदखली किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक जो किया गया है कितने का? लगभग 3 करोड़ का है। इसके बाद कितने पे जांच चल रही है? अभी तो यही है, बाकी इसके खिलाफ जो भी अगर मुकदमा दायर होगा वो कोर्ट का उस पर आदेश होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।